मेरा नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर सीएससी के सामने और हमें सूत्रों का हवाले जो खबर मिला, रिपन दास और विष्णु राम नाम का जो व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति जो है कल मायबंदर से एक डोंगी में रवाना हुआ डिगलीपुर आने के लिए। रवाना जब हुआ और सूत्र का हवाले जो हमें खबर मिला कि डोंगी जो है पानी में डूब गए, और क्यों डूब गए कुछ कारण हमें नहीं पता इस वक्त जानकारी। और सूत्र का हवाले जो खबर मिला, एक व्यक्ति जो है विष्णु राम वो मिसिंग बताया जा रहा है, जिसका उम्र बताया जा रहा है 50 साल, और दूसरा व्यक्ति जो अभी मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका नाम रिपन हल्दर बताया जा रहा है। दोनों व्यक्ति जो एक ही डोंगी में दो ही व्यक्ति थे जो रवाना हुआ मायबंदर से डिगलीपुर आने के लिए, तो ये दुर्घटना हुआ जो है पानी में। और उसके बाद बता दो, दोनों व्यक्ति जो है डिगलीपुर सरज ग्राम एरिया से बिलोंग करते हैं। डिगलीपुर के अंदर में गाँव है जो सरज ग्राम कहा जाता है, सरज ग्राम में ये दोनों व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति जो अभी मिसिंग है वो व्यक्ति का तलाश जारी है, अन्य डिपार्टमेंट से भी मदद लेने का कोशिश किया जा रहा है और वो व्यक्ति का तलाश अभी भी जारी है करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे वो घटना में आगे क्या क्या हुआ, घटना का विस्तार अपडेट लेंगे। बने रहेगा रिपब्लिक अंदमान के साथ, जानकारी लेंगे रिपोर्ट हल्दर से। हम डोंगी लेके मायबंदर से आता था, फिर रास्ता में मायबंदर से 8 बजे स्टार्ट किया, फिर लेमिया भी पहुंच गया 11 बजे आसपास। जब मेरे साथ बोला बोलता रिटर्न पानी नहीं रिटर्न था करके, उसमें तो रिटर्न करने से पानी फेंकने का जरूरत नहीं है, तो 2-4 बार पानी फेंका तो हम पूछा क्या हो गया, बोलता रिटर्न पर पानी नहीं डालता। तो हम उसको बोला आप आओ सुकानी में, हम देखता है क्या है। फिर हम जब उसको सुकानी छोड़ के इंजन का नीचे उतरा, उसी टाइम ना वो इतना स्पीड था डूंगी ना, सामने वाला हल्पा का अंदर घुसा दिया, स्लो नहीं किया, उसे टाइम नहीं मिला, सामने वाला हल्पा का अंदर एकदम फुल्ली घुसा दिया, तो उसी टाइम ही डूब गया। तो हम लोग का पास में सामने वाला सब तो निकल गया, पीछे एक तेल का गैलन था और एक बैग था, वो लेके उसको गैलन पकड़ा दिया और हम बैग लिया, बैग का अंदर खाली बोतल था एक, और हम लोग का नाश्ता वगैरह बड़ा पानी में बांधना था इसलिए बैग डूबा नहीं, उसको पकड़ा। फिर वो लेके एकदम नजीक ही था, तैरना शुरू किया तो उल्टा हवा उल्टा करंट था, खाली बाहर ही लेके जाता, आने नहीं सका। राइट तरफ एक चिकरी था छोटा, उसी तरफ कैसा भी हम सोचते उधर कैसा भी बाहर बाहर से तिरा करके उधर कैसे भी पहुंचेगा, लेकिन वो तैरते तैरते से हो गया, से बच गया। तो उस टाइम हम उसको बोला, वो 1 घंटा तैरने के बाद बोला हमको हाथ पैर और काम नहीं करता, तो हम बोला तुम खाली गैलन का सपोर्ट रखो, हम टाल के लेके जाएगा। उतना टाइम तक उसको टाना, जब अंधेरा हो गया उस टाइम हम देखता कि अरे पैर में फंसता नहीं, वो हम टालने के टाइम वो घड़ी घड़ी पैर में फंसता था, तो क्या वो पैर में फंसता नहीं, वो किया कहाँ, घूम के गैलन का हाथ डाल के देखता उसको नहीं मिलता। 10-15 मिनट उधर हम देखा, अंधेरा में दिखाई नहीं दिया, फिर हम गैलन भी हम छोड़ दिया, जो बैग था उसको लेके हम 2.5 घंटा तक तैरा, फिर वो टिकट मिला। फिर रात भर वो टिकट में कैसा भी था, हम चिल्लाया ऐसा आदमी लोग जाल उल डाला, उसको सुना क्या नहीं सुना मालूम नहीं। फिर रात को 10 बजे 2 ढूंगी आया उधर से, इस लोग तो रात को देखा भी नहीं, हम क्या किया, झंडा उंडा उठाया मतलब तिरपल उपल दिखाया, देखा नहीं उस लोग। फिर सुबह मेरा बैग के अंदर एक गमछा था, उसको डंडा में लपट के पूरा चिल्लाया आदमी लोग, उल्टा तरफ आदमी लोग देखता है ये साइड वाला। फिर इसी टाइम में देखता है तेलुगु लोग आता है मायबंदर तरफ से, उस लोग को झंडा दिखाया तो उस लोग आया, उस लोग हमको उठा के लेके आया, बस यही है। अभी आपको कंडीशन ठीक लग रहा है? अभी मेरा कंडीशन ठीक क्या, रात भर तैरा ना इसलिए सारा बदन दर्द है। ऐसा हैवी कुछ लगा नहीं? हमको चोट कुछ नहीं लगा, खाली यही तकलीफ है, और सांस में कोई कोई टाइम थोड़ा तकलीफ दिखाई देता, बस है। और क्या लग रहा है, साथी होगा उनका जो टायर के टाइप होगा? हमको क्या लग रहा है, वो गैलन छोड़ दिया, जब वो
उसी टाइम हमको एक किस्म का दुख लग गया, इतना 11 बजे से 6 बजे तक उसको हम टांगते हैं, अभी वो रात को छोड़ दिए बोलने से वो तो गया है, यही सोच के हम उस टाइम क्या करेगा और लगा जैसे भागना शुरू कर दिया, फिर आया क्या करें। और ये बताइए ये मेडिकल तक वहाँ से आप कैसे पहुँचे, कौन लेके आए मेडिकल तक? उस लोग तेलुगु वाला लोग लेके आया, उस लोग फोन किया पुलिस में, फिर मेरा घर से भी फोन पुलिस में इन्फॉर्मेशन करके रखा था, तो पुलिस गाड़ी गया, उस लोग का डोंगी से मेरे को उठा के पुलिस लेके आया, पुलिस लोग छानबीन करता है, उसको भी मेरे साथ अलग से भी ढूंढता है।